पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए जो कैंडिडेट देना चाहते हैं एडिशनल पेपर ग्रेजुएशन का और बीएड का, उसकी लास्ट डेट 25 सितंबर है, एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फॉर्म फिल करने अब स्टार्ट हो चुके हैं, आज से फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो डिसीज़न लेके, अभी टाइम वक्त है, ध्यान से डिसीज़न लेना है। कारण ये है कि एक जो प्रॉब्लम है क्लैश की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हालत में स्टूडेंट की ही है। ये डेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप ये चूज़ कर सको कि मैंने फिल करना है या नहीं करना है। मैंने एक, कई लोग सिर्फ एक स्किल एडिशनल पेपर फिल करना चाहते हैं, कई दो भी फिल करना चाहते हैं, है ना। कॉमर्स वाले जो हैं विशेष करके, कई बीएड कर चुके हैं बीकॉम के साथ, तो उन्होंने हर हालत में देना ही है, वो सोशल साइंस का भी देना है। लेकिन अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में है तो ये याद रखें कि सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी लैंग्वेज का एडिशनल पेपर लेती है, ना कि सोशल साइंस या साइंस का। तो क्लैश क्या है कि क्लैश ये चेक कर लेना है एक बार कि बीएड और बीए के एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हो उस पेपर की डेटशीट सेम वन की क्लैश तो नहीं हो रही, सेम टू की क्लैश तो नहीं हो रही। सेम टू मीन यहाँ सेम वन सेम टू मत लिखिए, यहाँ लिखिए दिसंबर में, और ये दिसंबर में क्या है सेम वन सेम थ्री और सेम फाइव, और ये जून में हो गई 2, 4, 6 इन सेम की, है ना। तो ये इकट्ठे पेपर हो जाने हैं, तीन सेमेस्टर के पेपर एक सेमेस्टर दिसंबर में हो जाने हैं, और जून में फिर तीन सेमेस्टर के पेपर आपके हो जाने हैं आप लैंग्वेज अगर करना चाहते हो। दूसरा एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सर मैंने बीएड जो है दूसरी यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी से करनी है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं जा रही हूँ। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये देखिए मान लीजिए आप कोई, ये तीन यूनिवर्सिटियों को ड्रा करने लगा हूँ मेन, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी और भी कोई हो सकती है, आप साथ में ले सकते हो। ये यूनिवर्सिटी हो गई मान लीजिए, इसको GNDU ये लिख लिया, और ये लिख लिया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। अगर तो आप जा रहे हैं इधर से इधर, मान लीजिए पहले जो ग्रेजुएशन GNDU में है और अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आप जा रहे हैं बीएड करने के लिए, यहाँ बीएड कर रहे हैं, तो बीए के एग्ज़ाम एडिशनल भी आप यहाँ दोगे, तो यहाँ से आपको माइग्रेट होना पड़ेगा, है ना, रजिस्ट्रेशन इधर से इधर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में बीएड करने के लिए जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर बीए के एग्ज़ाम जो है, बीए आपने की यहाँ है लेकिन एडिशनल एग्ज़ाम आप यहाँ दोगे और माइग्रेशन यहाँ से यहाँ का लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से चंडीगढ़ को जा रहे हो, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हो, तो साथ में बीए के वहां दोगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जिसमें माइग्रेशन हो चुकी है। तो अलग अलग वीडियो निकाली हुई हैं ये देखने के लिए कि क्या किसकी डिफरेंस क्या है, ना, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल भी करवा लेती है, लेकिन अभी तक बहुत कम करवाए हैं, अधूरी जानकारी मिलती है। तो इनसे जब पूछा गया कि किस यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी के अलाउ करते हो आप, है ना, तो दूसरी यूनिवर्सिटी से जो की हुई है ग्रेजुएशन, दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अगर की है तो सिर्फ ये पंजाबी को अलाउ करते हैं, ये भी बात है, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाले सिर्फ लैंग्वेज को अलाउ करते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के साइंस सोशल साइंस सभी को करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाते, ये प्रैक्टिकल भी लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है वो सभी पंजाब की यूनिवर्सिटी कोई भी हो, बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसको भी करवा देते हैं, उनसे आपने ग्रेजुएशन या कुछ भी किया है, है ना, ग्रेजुएशन नेचुरली की है। तो ये हाँ बीएड का जरूर है कि बीएड आपने कहाँ से की है, इसकी प्रॉब्लम है, उस अलग से क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन लास्ट डेट है इसको, आप अब टाइमली मैनेज कर लीजिए, सोचने का वक्त अभी है। तो ऑनलाइन फॉर्म जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, माइग्रेशन जो है इसका भी पूछा था, माइग्रेशन लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा,
तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो निकाल चुका हूँ कि जो जो रिगार्डिंग है बीए बीएड के एडिशनल देने के लिए जो प्रोसेसेस हैं, फैक्टर्स हैं, अफेक्ट करते हैं, जहाँ किन बातों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हर हालत में आपने गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी के लिए एडिशनल पेपर देना है। जिनके फ़ोन आ चुके हैं उनको साथ साथ में बाय गाइड कर चुका हूँ। अदरवाइज़ जो ऑड कॉम्बिनेशन वाले हैं, जैसे कॉमर्स वाले हैं, बीबीए वाले हैं, है ना, जहाँ किसी ने बीएड में लैंग्वेज का या कोई एडिशनल पेपर सॉरी पढ़ा है, जनरल के बेस पर पढ़ा है, जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी, है ना, तो वो एडिशनल पेपर दे दें। साथ साथ में भी दे सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। किसी ने बीएड भी करनी है उसको सजेस्ट कर सकते हो, पहले भी कर सकते हैं। थैंक यू।